हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। कुछ महीने पहले बच्चों मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था रिगार्डिंग चार्ज कॉन्सेप्ट। उस शॉर्ट के कमेंट बॉक्स में मुझे कई सारे कमेंट्स रिसीव हुए और उन कमेंट्स में से कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में थे कि सर ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या आप इस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर ज्यादा अच्छे से समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी आंसर दिया कि हाँ सर हमारे साथ ही हो चुका है। तो चलिए इसी वीडियो के थ्रू समझते हैं कि जब कभी भी कोई पर्सन अचानक से किसी मेटल डोर को टच करता है तो वो जो आपको छोटा सा शॉक लगता है या फिर एक पॉप साउंड जो आता है वो क्यों आता है। तो बच्चों यहाँ पर एक्ट करता है फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं चार्ज बाय रबिंग और चार्ज बाय फ्रिक्शन। चार्ज बाय फ्रिक्शन में हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं और रब करने की वजह से बॉडीज हो जाती है चार्ज। अब यही हमें समझना है कि बॉडी चार्ज हो कैसे गई। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी जिसके अंदर 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज। जब आप टोटल चार्जेस बॉडी का निकालेंगे यू विल गेट 0, या फिर हम कह सकते हैं ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अब सपोज करते हैं इस बॉडी में से हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं और जब इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन का लूज होगा तो आप देख सकते हैं यहां पर पॉजिटिव की संख्या आपको ज्यादा दिखेगी। तो हम कह सकते हैं ये न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनती जा रही है पॉजिटिवली चार्ज्ड। दूसरी तरफ अगर हम इसी बॉडी में यानी कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एड करते जाए या फिर इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होना शुरू हो तो अब आप देखेंगे कुछ समय इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा। तो हम क्लेम कर सकते हैं कि ये बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी से कन्वर्ट हो रही है नेगेटिवली चार्ज बॉडी में। आई होप आपने ये समझा हो कि कब एक बॉडी क्या लूज या क्या गेन करने पे किस तरह का चार्ज का नेचर रखती है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। यहां पर इस एक्टिविटी में आप देखिएगा जब ये जॉन नाम का व्यक्ति इस अपने डोरमेट पे अपने पैर को रब करता है या फिर वॉकिंग करके आता है तो वही इसके साथ होता है। यहां पर हम देख सकते हैं इस डोरमेट से शूज के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। स्टार्टिंग में दोनों न्यूट्रल होंगे डोरमैट भी और पर्सन भी और जब इसने रबिंग प्रोसेस यहां स्टार्ट किया अपने पैर से डोरमैट पर तो यहां आप देख सकते हैं इस पर्सन के अंदर नेगेटिव चार्ज स्टोर होते जा रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है और शायद कपड़े में से वो नेगेटिव आ रहे हैं तो यहां पर ये पर्सन धीरे धीरे एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन रहा है। अब इसके अंदर जब ये चार्ज प्रोड्यूस होगा और बच्चों जब ये किसी मेटल को टच करेगा, मेटल एक आपको भी पता है गुड कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं हमारे, यानी मेटल को देखकर बहुत जल्दी भागते हैं उसमें से ये। तो मेटल के सामने जैसे ही इसका हाथ लगा तुरंत ये सारे इलेक्ट्रॉन उस मेटल के डोर में ट्रांसफर हो जाएंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ उस मेटल डोर में ट्रांसफर होते हैं तो उसी मोमेंट में हमको एक छोटा सा शॉक और कभी कभार वो स्पार्क भी दिखता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, सर क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, तारीख पे तारीख तो सुना था बट क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ओ गॉश। चलिए एक क्वेश्चन और है कि सर यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज का क्यों नहीं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा जब भी कभी भी रबिंग होती है तो जो ट्रांसफर होने वाला चार्ज है वो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मोबाइल चार्ज कैरियर है, हम उसी को ट्रांसफर कर सकते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज को। अगर आप चाहते हैं इसका रीजन कि सर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफरेबल क्यों नहीं है, आप हमें कॉमेंट करिए और हम वापस आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस आंसर के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, गुड बाय।